नमस्कार, मैं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। बिहार में विधानसभा के दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसको लेकर सभी व्याकुल हैं, और वो भी व्याकुल हैं जो व्याकुल न होने की नसीहत दिया करते थे। 11 जवाब कार्यालय में चाहे अपने विभाग में थोड़ा ठीक समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, आप अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आप ऐसे अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं होना, ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर नहीं चल सकता है। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए कौन पूछेगा, इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं हो, सदन स्थगित की जाती है जी। सम्राट जी आप व्याकुल मत होइए, सम्राट जी मतलब आप समझ रहे होंगे सम्राट चौधरी, एनडीए की जो सरकार चल रही है उसमें भाजपा के मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री, और उन्होंने एक मामले में विधानसभा अध्यक्ष को नसीहत दी थी कि अध्यक्ष जी व्याकुल मत होइए, व्याकुल नहीं होना है, लेकिन आज वो खुद व्याकुल नजर आ रहे हैं। व्याकुल क्यों हैं? क्योंकि आज उनके भाई रोहित चौधरी, इंजीनियर रोहित चौधरी ने जदयू का दामन थाम लिया है। आज जदयू के पार्टी कार्यालय में जो कर्पूरी ठाकुर सभा भवन है उसमें मिलन समारोह का आयोजन किया गया, और उसमें रोहित चौधरी ने जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, संसदीय कार्य के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, सारे लोग मौजूद थे। इस मौके पर इंजीनियर रोहित चौधरी ने स्पष्ट कहा कि वो घर वापस आए हैं, वो पहले भी समता पार्टी में रह चुके हैं, बीच में किन्हीं कारणों से इधर उधर थे, अब वह पुनः जदयू में आ गए हैं, अपने घर में आ गए हैं। और उन्होंने नीतीश कुमार का जो काम है, जो कार्य प्रणाली है, बताया कि उससे जो है सो प्रभावित होकर वो आए हैं। लेकिन ये किस बात को दर्शाता है, राजनीतिक उथल पुथल किस कदर है वो स्पष्ट नज़र आता है। क्योंकि मुंगेर के तारापुर में और कुशेश्वर नगर में, कुशेश्वर स्थान में, माफ कीजिएगा, कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हो रहा है और इसको लेकर पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। महागठबंधन में राजद और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है, वहीं भाजपा और जदयू में भी तोड़फोड़ की राजनीति कहीं ना कहीं चल रही है, और वही आज दिखा है रोहित चौधरी के जदयू में शामिल होने से। हालांकि रोहित चौधरी का ये कहना है कि सम्राट चौधरी की अलग राजनीति है, हमारी अलग राजनीति है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजनीति अलग है, दोनों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और वही स्पष्ट दिख रहा है। ऐसे भी मुंगेर में पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी का बड़ा प्रभाव रहा है, और ख़ासकर मुंगेर के तारापुर सीट पर जो ये चुनाव हो रहा है वहाँ पर कुशवाहा जाति का जो वोट है वो शकुनी चौधरी के परिवार से इतना प्रभावित है कि वह जहाँ चाहे वो वोट वहीं जाता है, ऐसा मानना है। ऐसी स्थिति में जदयू ने जो अपना तुर्फ का पत्ता फेंका है वो निश्चित रूप से भारी पड़ सकता है भाजपा पर, और ऐसी स्थिति में भाजपा और जदयू का जो के संबंधों का जो खटास है निश्चित रूप से और भी बढ़ेगा। मतलब कि ये उपचुनाव बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट करेगा, बहुत सी चीज़ों को सामने लाएगा जो पर्दे के पीछे था। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।